सोहेगाई स्वागत आपका एक बार फिर से के YouTube चैनल में और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IRCTC IRCTC के अंदर आपने देखा होगा अभी कल के दिन लगभग आठ परसेंट के करीब जो ना ना बिग फॉल बना था ठीक है और हमारी कल शाम वाली वीडियो में मैंने आपको एक ही बात बोली देखो भाई फ्रेश एंट्री का जो माहौल देख रहा था जब स्टॉक में तेरह चौदह परसेंट की रैली बनी थी वहाँ पर मैंने आपको क्लियर मना किया था कि स्टॉक में फ्रेश एंट्री भाई ऊपर के भाव से मत लेना क्योंकि स्टॉक में यहाँ से क्रैक्शन बनेगी ठीक है और उस डीप के बाद स्टॉक को पकड़ना सबसे बेस्ट रहेगा और वो आप लोग देखोगे भी कल के दिन हमें एक बिग डीप स्टॉक में आते हुए नजर आए इवन इसी स्टॉक में नहीं भी लगभग पूरे के पूरे जो स्मॉल कैप कंपनियां मिड कैप शेयर है उनके अंदर सबसे ज्यादा और इन शेयरों में भी जो भी जमकर गिरावट और रेलवे सेक्टर तो वैसे भी कल के दिन जो ना भी हर स्टॉक साथ साथ आठ आठ परसेंट टूटा हुआ था एक आध स्टॉक को छोड़कर तो ये स्टॉक भी उनमें शामिल था आठ नौ परसेंट के करीब ये स्टॉक भी डंप हुआ हालांकि आज के दिन आप लोग देखो कि स्टॉक में फिर से रिकवरी बनी है पाँच के करीब की जो तेजी है वो अभी स्टॉक में बरकरार है यहाँ पर आप लोग देखोगे कल के दिन तो मार्केट में क्रैक्शिंग की वजह से स्टॉक क्रैश हुआ लेकिन आज आप लोग देखोगे जैसे जैसे मार्केट में रिकवरी आ रही है ना भाई सुबह गिरावट के साथ ओपन हुआ उसके बाद जैसे जैसे मार्केट में रिकवरी आ रही है तो स्टॉक भी रिकवरी दे रहा है तो स्टॉक में काफ़ी अच्छे जो मोमेंटे वो बन चुके हैं और कल की वीडियो में आपको एक बात बोला अगर किसी कंपनी के शेयर में मार्केट की वजह से करेक्शन आए ना मार्केट में अगर गिरावट उसी की वजह से अगर गिरावट आती है तो उसको लेकर परेशानी हो ना वो आपके लिए मौके होते हैं जैसे कि इरकॉन इंटरनेशनल है एक के भाव में आ गया आज के दिन ठीक है आरविनल भी टूटा आईआरएफसी है सभी स्टॉक्स टूटे लेकिन मैंने सिंपल भाषा में ये बात बोली अगर जिनके पास देखो भाई जिनको बेच दिया जिन्होंने कोई दिक्कत नहीं बेच दिया तो बेच दिया भाई और जिनके पास शेयर हैं उन्हें नीचे के भाव से जो ना एवरेज करने का मौका मिलेगा ठीक है 160 के नीचे में आई इरकॉन बताया था अभी 160 के नीचे में अगर आता है तो थोड़ा बहुत ऐड कर लेना अदरवाइज आप लोग दे, अगर ऊपर में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो वहां पर भी अच्छा खासा मौका था ना सुबह एक के आसपास गया वहां पर अगर आपने एवरेज के लिए भी स्टॉक थोड़ा बहुत खरीदा सौ कितने भी दो तो वहां से रिकवरी आप लोग देखोगे भी कैसे बनी है और एक सौ रुपए के आसपास पहुंचा हुआ है और यह शेयर भी आप लोग देखोगे सुबह सुबह एक जबरदस्त रिकवरी दी है और साढ़े के भाव में आ गए है तो चलिए देखते हुए इसका चार्ट क्या स्टॉक के अंदर बने रहना सही है या फिर अगर आपने आज वगैरह किया है तो क्या सपोर्ट वगैरह नीचे के लेवल पर बनी हुई है बेचना सही रहेगा या फिर अभी डटना सही रहेगा तो यहां पर आप लोग देखो भी 799 का हमारा सपोर्ट मैंने स्टॉक को लेकर बताया था पीछे और एग्जैक्टली आप लोग देखोगे स्टॉक उस लेवल के आसपास आया 799 के आज ठीक है सेवन नाइनटी नाइन के आसपास आया ना और वहां से आप लोग देखोगे स्टॉक में कितनी शानदार रिकवरी बनी है आपके सामने पीछे की वीडियो जाकर देख सकते हो और वहां पर जब ये स्टॉक ऊपर के भाव में था ना भी, यहां पर मैंने मना भी किया था कि स्टॉक uh, तो में फ्रेश एंट्री के माहौल बन जाएंगे और वो आपके सामने भी अभी स्टॉक आठ सौ पैंतालीस के ऊपर में रहता है तो एक अच्छी बात है आठ अगर करंट लेवल के ऊपर स्टॉक को परचेज करने के बारे में सोच रहे हो वगैरह करने

तो बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहे हो ना तो पैसा बनेगा तो यहाँ से अगर आपने नीचे के भाव से स्टॉक को आज पिक किया है सात आठ सौ के रेंज में जब आया ठीक है अगर नहीं खरीदा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ से मार्केट में रिकवरी आएगी तो इन शेयर में भी रिकवरी बनेगी और ये स्टॉक फिर से आप लोग देखोगे नाइन हंड्रेड प्लस के मूवमेंट आपको दिखाएगा और अभी तो तीन इवेंट्स भी बाकी कि अभी बजट आना है बजट से पहले क्वार्टर रिजल्ट्स है फिर उसके बाद इलेक्शन है तो मार्केट देखो अभी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कल टूटा और आज आप लोग देखोगे भी बायर्स आ गए हैं ठीक है एक झटके में तोड़ा और जो बड़े प्लेयर है वो एक झटके में पूरे पूरे जो अभी मिड कैप स्मॉल कैप को उठा दिया और आज आप लोगों के सामने है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो